तुम इंसान नहीं, जानवर हो। वाह भाई, आपसे तुम पर आ गई। आपसे तुम का सफर तुमने बहुत जल्दी तय कर लिया। मिलाई अपने फ्रेंड से, हो गई आखिरी मुलाकात। मर रहा है ना बेचारा। जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी लड़ाई मुझसे थी ना, तो वार भी मुझ पर करते। रेहान को क्यों बीच में लेकर आए? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? बहुत ही नादान और भोली हो तुम। जब कोई किसी को इनकार करता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें क्या लग रहा था, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैं बहुत पहले जा चुकी हूँ मिस्टर राशिद। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। जो करना है कर लो। तुम्हारे इस इनकार की कीमत रेहान को चुकाना पड़ेगी। बेमौत मारा जाएगा। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम खुद कर सकते हो। बचा सकती हो उसको, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कराएंगे, अरेस्ट कराएंगे तुम्हें। मैं रेहान को गोली मार दूंगा। चलो, अगर तुमने किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मेरी बात याद रखना, तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सराहों के पीछे चक्की पीसते गुजरेगी, समझे तुम? तुम्हारी इस हरकत की कीमत भी रेहान को चुकानी पड़ेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। बस, जहां खड़े वहीं खड़े रहो, समझे तुम? अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया ना, तो मैं यहाँ चीख कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। और तुम जानते हो ना तुम्हारा हशर क्या होगा? बस। और हाँ, तुम मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर हो, बुजदिल इंसान हो तुम। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें अमर। इस हरकत का मजा तो मैं तुम्हें चखा के छोड़ूंगा। बहुत ही नादान और भोली हो तुम। जब कोई किसी को इनकार करता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें क्या लग रहा था, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हारे इस इनकार की कीमत रेहान को चुकाना पड़ेगी। बेमौत मारा जाएगा। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम खुद कर सकते हो। बचा सकती हो उसको, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। रह गई थी, कितनी परेशान थी मैं। क्या हुआ है? अरे वाह, अमल बेटी आ भी गई आवारागर्दी करके। बताओ बेटा, क्या बात है? लो भाई, आते के साथ ही रोना धोना मेलो ड्रामा शुरू हो गया। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों माँ बेटी को ना ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। भाई फुल टाइम एंटरटेनमेंट मूवीज हो। नायला, मुझ पे एक एहसान करोगी? अरे क्यों नहीं, नायला तो एहसान ही करती आई है सब पे हमेशा। मुझे और मेरे बच्चों को बख्श दो और जाकर अपने बच्चों पर ध्यान दो। इसको भी अभी रोना था, तुम्हीं लोगों की परछाई पड़ी है। अब बताओ क्या बात है? मामा,
राशिद ने रेहान को बहुत बुरी तरह मारा है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अभी कैसा है वो? और क्यों मारा है राशिद ने उसे? राशिद को लगता है कि मैं और रेहान, राशिद ने मेरी वजह से रेहान को मारा है। रेहान को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी अम्मी। वो इस वक्त मेरी वजह से हॉस्पिटल में है। ऐसा मत सोचो, खुद को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? रेहान की मामा को लगता है कि इन सब हालात की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, उसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। और आपको पता है, उन्होंने मुझे रेहान से मिलने भी नहीं दिया। अच्छा अच्छा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम आओ मेरे साथ अंदर, चलो। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे बच्चे को होश आ गया। थैंक गॉड रेहान, तुम्हें कोई सीरियस इंजरी नहीं आई है, डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आप ही मुझे पानी पिला दें प्लीज। अम्मी ने तो रो रो के अपना बुरा हश्र कर लिया था। अम्मी आप रोए मत, मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ। पानी पिला। हाँ भाई, अम्मी को बता दो कि तुम ठीक हो, वरना तो अमल के जाने के बाद अम्मी ने बुरा हशर कर लिया था, साथ साथ अमल को कोसे दे रही थी, साथ साथ रोए जा रही थी। फायदा अमल आई थी, मैं तुम्हें कहा है ना, मना किया था ना, मेरे सामने उस लड़की का नाम मत लेना। लगाती ना चुगली, मिल गया सकून। इसमें चुगली वाली कौन सी बात, अमल यहाँ पे नहीं आई थी क्या? आपने उसे धक्के देके यहाँ से नहीं निकाला था? अम्मी, जो कुछ हुआ उसमें अमल का कसूर नहीं है, वो तो बेचारी खुद मुश्किल वक्त से गुजर रही है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था उसे। यही तो समझा रही थी मैं अम्मी, लेकिन अम्मी किसी की सुनती कहाँ है, उस बेचारी को निकाल दिया, रोते हुए जा रही थी वो। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने जो भी किया ना तुम्हारे भले के लिए किया बेटा। रेहान, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आई गेस आंटी ने जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अमर और राशिद का रिश्ता पक्का हो चुका है, इनसिक्योर तो होगा ना वो, तुम भी अब मूव ऑन कर जाओ। अगर तुम चाहते हो कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे तो तुम्हें करना पड़ेगा। विनायल उसके अंकल जबरदस्ती राशिद से उसकी शादी करवाना चाहते हैं, वो बेचारी मुश्किल में मजबूर है, मुझे अमल से बात करनी है। तुम उससे बात नहीं करोगे, समझे ना, कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। अरे उसके अंकल ने धमकी दी है, उसने कहा अगर तुमने उससे रابطہ नहीं छोड़ा तो तुम्हारी जान ले लेगा वो, अगर तुम्हें कुछ हो गया अरे तो हमारा क्या बनेगा? अम्मी उसने जान लेनी है तो ले ले, मैं उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं, मुझे अमल से बात करनी है, आप ही प्लीज आप मेरी अमल से बात करवा दें। ठीक है बेटा, कर लो अपनी मनमानी, तुम्हें हमसे ज्यादा अमल की परवाह ना, तो ठीक है, बड़े हो गए ना तुम, अपनी मर्जी ही करोगे, हमारा क्या है, कोई भी नुकसान पहुंचा दे, तुम्हें तो कोई परवाह भी नहीं है हमारी। अम्मी एक बार मेरी गौर से बात सुनो, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्लीज अम्मी ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होता रेहान, आप जाएं, आप आराम करें, मैं बात करती हूँ रेहान से। कुछ ज्यादा ही अमल अमल नहीं कर रहे हो,